बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खुश सेहतमंद और खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब इमारात में खेली जाने वाली सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया गया है। और इसके अलावा जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, इसकी क़यादत शादाब खान कर रहे हैं। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 रेगुलर बैट्समैन्स, 2 विकेटकीपर बैट्समैन्स, 3 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर्स और 3 स्पिनर्स शामिल हैं। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे जो 5 रेगुलर बैट्समैन्स हैं। इनमें शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, तैयब ताहिर और इफ्तिखार अहमद शामिल है। और जो विकेट कीपर बैट्समैन है 2, उनमें आज़म खान और मोहम्मद हारिस शामिल है। इसके अलावा जो 3 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है, इनमें जमान खान, नसीम शाह और एहसानुल्ला। स्पिनर्स की बात अगर की जाए तो इनमें कप्तान शादाब खान खुद, इसके अलावा इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो 2 ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल किया गया है, इनमें वसीम जूनियर और फहीम अशरफ शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 15 रुकनी स्क्वाड PSL 8 के ख़त्म होने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ट्रेवल करेगी और वहां पे ये 3 T20 मैचेस खेले जाएंगी। और ये तीनों T20 मैचेस शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। और पहला जो T20 मैच है वो 24 मार्च, दूसरा 26 मार्च और तीसरा और आखिरी T20 मैच 27 मार्च को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये तमाम मैचेस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुपहर 4 बजे खेले जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एंड में आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।